हिमाचल प्रदेश में तीन उपचुनावों की घोषणा होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उन तीन निर्दलीय विधायकों पर जमकर निशाना साधा, जिनकी वजह से प्रदेश की तीन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। या तो ये इतने संत होते कि सोचते कि हम राजनीति छोड़ रहे हैं, हम इतने दुखी हो गए, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, अपनी विधायकी को बेचकर फिर दोबारा से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। और हिमाचल की जनता ने तय करना है, हिमाचल की जनता ने तय किया, और मेरा मानना है कि ये तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी तय करना है कि ईमानदारी से जो आपने 5 साल के लिए चुनकर जो विधायक बेचे थे, उन्होंने 1.5 साल में क्यों इस्तीफा दिया, और अब क्या बोले 3.5 साल का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दिल्ली को पानी देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को दिल्ली को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, हिमाचल पानी को लेकर चार्ज करेगा ताकि प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ कर सके। दिल्ली को जो पानी देने का मामला है, वो हमारा दिल्ली सरकार से समझौता हुआ है, और मैंने उनसे कहा है कि दिल्ली सरकार को जो हम पानी देंगे, वो हम अपनी संपदा है, उस पानी पर हम दिल्ली सरकार से क्यूसिक मीटर या लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे, उस पर दिल्ली सरकार ने सहमति बना दी है। अब दिल्ली हिमाचल से जो पानी छोड़कर जाना है वो हरियाणा होकर जाना है, तो हमारा उसमें कोई ज़्यादा वो रह नहीं जाता, हम पानी देने को तैयार हैं। इसके साथ ही उन्हें नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जेपी नड्डा को जगह मिलने पर भी बधाई दी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रदेश की विकास की बात कही। जेपी नड्डा जी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका बनना तय था, अगर अनुराग जी भी बन जाते तो भी अच्छा हो जाता, दो दो मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, तो जो भी मंत्रिमंडल में बनता उससे प्रदेश को फायदा ही होता। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है, जिससे एक बार फिर सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। अब देखना यह है कि इस उपचुनाव में जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।